नॉर्थ ईस्ट में चल रही हिंसा के बीच मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष की इस टीवी डिबेट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर ये दावा किया। आपको शायद पता होगा, इस 9 वर्ष के कालखंड से पहले नॉर्थ ईस्ट में 8 वर्ष के कालखंड में 8,500 इंसिडेंट्स हुए। एक बार मनमोहन सिंह जी ने, जो असम से चुने हुए थे राज्यसभा के सांसद, वहां पर जाना तो दूर, कुछ बोला तक नहीं। ऑन एयर ये दावा करते हुए शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को चुनौती दी और कहा कि अगर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के शासन के दौरान नॉर्थ ईस्ट पर एक शब्द भी बोला होगा तो वो अपना नाम बदल देंगे। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8,000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे। बहरहाल शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री के ऑफिस के आर्काइव्स और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स चेक किए होते तो उन्हें अपने इन दावों की असलियत खुद ही पता चल जाती। ऑल्ट न्यूज ने टीवी डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता द्वारा किए गए इन दावों की असलियत का पता लगाने के लिए इन आर्काइव्स को खंगाला। और अब सीधा चलते हैं साल 2004 में। 18 अगस्त 2004 को असम के धेमाजी में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस घटना की आलोचना करते हुए पूर्व पीएम ने ये स्टेटमेंट दिया था। साल 2012 में असम के कोकराझार में हुई हिंसा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बयान दिया था। वहीं 17 अगस्त 2012 को राज्यसभा में नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूर्व पीएम ने ये बयान दिया था। इस भाषण का वीडियो इंटरनेट पर भी मौजूद है। The northeastern region of our country is a very sensitive region, but one thing that I would like to say is that whatever may have happened in Kokrajhar and other areas should not be used as an occasion to fan rumors, to create an environment in other parts of our country that the people from the northeast feel insecure. फरवरी 2014 को ये खबर सामने आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया पर दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस घटना पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 4 फरवरी 2014 को ये बयान जारी किया था। वहीं 3 मई 2014 को असम में हुई हिंसा को लेकर पूर्व पीएम ने ये स्टेटमेंट जारी किया था। अब नजर करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के असम दौरे पर। असम से राज्यसभा सांसद और प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार राज्य का दौरा किया था। हालांकि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला डिबेट से पहले होमवर्क करते हुए ये चेक करना भूल ही गए। साल 2012 में 20 अप्रैल को पूर्व पीएम ने गुवाहाटी में असम विधानसभा के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया था। वहीं 21 नवंबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिसपुर में असम के नए कैपिटल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2011 के रोज असम के जोरहाट परिसर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का शिलान्यास किया था। और वहीं 28 जुलाई 2012 को कोकराझार में हुई हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम का दौरा किया था। इन आर्काइव्स को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के दावे गलत है। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कई बार असम का दौरा किया और राज्य को लेकर बयान भी दिए, लेकिन बिना इन बातों को क्रॉस चेक किए भाजपा प्रवक्ता ने ऑन एयर झूठे दावे किए और अपने इन दावों को झूठा साबित किए जाने पर नाम बदल देने की चुनौती भी दे दी। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में शहजाद पूनावाला के लिए नए नाम का सुझाव दे सकते हैं।